सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले बहुत सारे नए अपडेट और इवेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले नए वेपन रॉयल के बारे में, कौन सा आने वाला नया वेपन रॉयल होने वाला है वो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ उसके क्या पावर होने वाले हैं वो भी यहाँ पर आपको कन्फर्म मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले नए मॉन्स्टर ट्रक की स्किन के बारे में, ब्लू होल का स्किन आने वाला है, कॉस्ट्यूम आने वाले बहुत सारे, और भी यहाँ पे बहुत सारे नए अपडेट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। और ऐसे ही और भी फ्री फायर के वीडियोस देखने के लिए नेशनल गेमर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रैंक मैच के अंदर होने वाले एक छोटे से चेंजेस के बारे में। तो बेसिकली ये छोटा सा चेंजेस है, लेकिन जो बंदे ग्रैंड मास्टर पुश कर रखे हैं अभी भी या फिर करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा चेंजेस होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, गेम में जाने के बाद यानी कि लॉबी के अंदर अगर हम गेम को बैक कर लेते हैं तो हमारा -3 होता है, यानी कि 3 पॉइंट माइनस होता है रैंक का। और या फिर हम प्लेन के अंदर होते हैं, जंप करने से पहले अगर हम बैक कर लेते हैं उस टाइम पर भी हमारा 3 माइनस होता है। लेकिन अब अगर कोई भी गेम में जाने के बाद या फिर लॉबी के अंदर बैक करेगा तो उसका डायरेक्टली 20 माइनस हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये वाला जो न्यूज़ है, न्यूज़ वाले सेक्शन में भी गेम के अंदर आया था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। और ये वाला अपडेट मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना ये जो अपडेट मैंने बताया ये आपको कैसा लगा। और ये जो है अभी लागू नहीं हुआ है, ये 23 सितंबर को जो ओबी का अपडेट आएगा उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद अगर आप बैक करोगे तो डायरेक्टली 20 पॉइंट माइनस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं आने वाली कुछ नई ग्लू होल की स्किन्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लो कौन कौन सी नई स्किन्स आने वाली है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये एक अजीब ही ग्लू होल की स्किन है, देखने में कुछ खास मेरे को नहीं लगी। बाकी आप लोग, मैं 3-4 जो भी दिखाने वाला हूँ आप लोग कमेंट करके बताना कौन सी आपको बेस्ट लगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले के अंदर नॉर्मल सा टेक्सचर है, मतलब इतना ज़्यादा कर दिया ना कि मतलब नॉर्मल सा लग रहा है। बाकी ये दूसरा वाला आप देख सकते हो, थोड़ा पिंक है, थोड़ा ब्लू है, और बीच में शायद सिबा का फोटो लगाया हुआ है, और ये देखने में ज़्यादा मेरे को खास नहीं लगा, तो ये भी मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पर आप ये तीसरा वाला देख सकते हो, ये है बुया इवेंट का। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बुया के ड्रेस भी दिखाए थे, तो ये एक बुया करके एक पूरा इवेंट आएगा, उसके अंदर सारे आइटम्स आएंगे। तो ये वाला स्किन मेरे को सबसे खास लगा, बाकी आप लोग बताना इन दोनों में से कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा। सो गाइस, बुया इवेंट में आने वाला ग्लू होल का स्किन मैंने आपको दिखा दिया, बाकी जो ड्रेस आने वाले हैं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर दिखा दिए थे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो एक एयरड्रॉप का भी स्किन आने वाला है बुया इवेंट के अंदर। मतलब ये जो बुया का इवेंट है बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होने वाला है। जिस तरीके से हमारा अभी मनी हैश का इवेंट चल रहा है उसी कुछ तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ आइटम आपको फ्री में मिलेंगे और कुछ आइटम के लिए आपको डायमंड यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपने मनी हैश वाले इवेंट के अंदर किया स्पिन करने के लिए, बाकी कुछ इवेंट के अंदर था उसके अंदर से निकालने के लिए। तो इस तरीके से कुछ बुया का पूरा इवेंट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं आने वाले जो छोटे छोटे अपडेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो रैंक सीजन में नया ड्रेस आने वाला है, यानी जब भी रैंक सीजन चेंज होता है तो अगर आप गोल्ड या फिर हीरोइक करते हो तो दोनों पे आपको एक एक टी शर्ट मिलता है। तो इस बार का गोल्ड का टी शर्ट कैसा होने वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। बाकी जो हीरोइक वाला होता है वो भी सेम टू सेम रहेगा, खाली उसका थोड़ा कलर रेड रहेगा, उसका कोई फोटो नहीं मिला इसलिए आप मान लो यही है और इसका कलर रेड है, इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा हीरोइक वाला। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं आने वाली कुछ नई गाड़ी की स्किन्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों नई स्किन आपको गेम में बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और इसमें जो ये स्पोर्ट्स कार का स्किन है ये तो मैं आपको कल के वीडियो के अंदर दिखा दिया था, बाकी यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक का भी आपको एक स्किन देखने को मिलेगा। देखने में ये ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, मतलब हो सकता है कि इलाइट पास के अंदर मिले या फिर कोई छोटे मोटे इवेंट के अंदर कम डायमंड में मिल सकता है। बाकी जो लैम्बोर्गिनी का स्किन है वो तो आपको थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा है। बाकी मैंने आपको एकदम क्लियर फोटो भी दिखाया था पिछली वीडियो के अंदर, तो अगर वो नहीं देखा तो वो भी आप ज़रूर से देख लेना। बाकी इस वाली स्किन के बारे में बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी स्किन पहले से अवेलेबल है और ये वाली गाड़ी बहुत कम बंदे यूज़ करते हैं। तो आप ये भी देख लो, ये भी आपको बहुत ही जल्द स्किन देखने को मिलेगी, और ये कहाँ पे मिलेगी वो कुछ कंफर्म नहीं है, कहीं पर भी आपको ये तीनों स्किन देखने को मिल सकती है। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले दो नए बड़े इवेंट और दो नए वाउचर्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो अभी चल रहा है मनी हैश का इवेंट, और इसके अंदर जो वेपन रॉयल और डायमंड रॉयल के अंदर नए वाउचर आ रखा है। इस तरीके से जब भी कोई नया इवेंट आता है बड़ा वाला, उसके अंदर वाउचर भी उनका खुद का आता है, यानी उसी इवेंट का आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों वाउचर आने वाले हैं। पहला जो वाउचर है वो है बुया इवेंट का, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया बुया इवेंट आने वाला है, उसके अंदर बहुत सारे आइटम रहेंगे तो बुया वाउचर भी रहेगा। और इस वाले वाउचर का यूज़ करके आप उस टाइम का डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल या फिर हो सकता है कोई नया रॉयल आ जाएगा उसके अंदर आप ये वाउचर यूज़ कर पाओगे। बाकी गाइस, यहाँ
यहाँ पर ये दूसरा जो वाउचर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है FFCS, ये किसका है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी जहाँ तक ये मेरे को लगता है ये फ्री फायर चैम्पियनशिप है, यानी जो वर्ल्ड कप होता है जिसमें सारे कंट्री के प्लेयर्स खेलते हैं और लास्ट में वर्ल्ड के बीच में होता है, यानी कि इंडिया से भी जाएगी इंडोनेशिया भी, और इस तरीके से जो वर्ल्ड में टॉप रहेगा उनके बीच में टूर्नामेंट होगा। इस तरीके से ये जो टूर्नामेंट हर साल होता है यानी कि वर्ल्ड कप होता है उस तरीके का जो टूर्नामेंट चलेगा उसके लिए ये वाला वाउचर हो सकता है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में कन्फर्म हो जाएगा ये वाउचर किस लिए है, तो जब भी कन्फर्म हो जाएगा मैं आने वाली किसी वीडियो के अंदर जरूर से आपको फिर से बता दूंगा। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले 3 नए बड़े बड़े फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला जो फीचर है वो है एक्टिव स्किल के लिए, यानी जैसे कि आपने एक बार आलोक को यूज किया फिर आपको थोड़े सेकंड रुकना पड़ता है और रुकने के बाद आप दूसरी बार यूज कर सकते हो, तो बीच में जो थोड़े सेकंड आपने रुका वो कितना सेकंड हुआ कितना बाकी है वो आप क्लियरली देख पाओगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाला अपडेट आपको OB24 का अपडेट आने के बाद देखने को मिल जाएगा, तो गेम में जाके डायरेक्टली देख लेना कैसे ये काम करता है। बाकी यहाँ पर जो ग्रेनेड वाला है वो एडवांस सर्वर के अंदर अवेलेबल था, वो मैंने आपको यूज़ करके भी दिखा दिया था, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप चैनल के अंदर जाके देख सकते हो। और बात करें यहाँ पे तीसरे अपडेट के बारे में, तो ये जो तीसरा फीचर है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर है। मान लो कोई दीवार है जिसके आर पार आप कूद नहीं सकते, यानी कि उसके ऊपर आप नहीं चढ़ पा रहे हो, तो आपको करना क्या है अपने टीममेट को बोलना है वहाँ पर बैठ जाएगा, और जैसे आप उसके पास में जाओगे तो एक नया बटन आपको देखने को मिलेगा जंप जैसा बटन, और अगर आप उस बटन को दबाओगे तो आपका जो कैरेक्टर है अपने टीममेट के ऊपर चढ़ेगा और ऊपर से जंप करके उस दीवार के आर पार जा पाएगा। यानी कुल मिला के जैसे चोर किसी दीवार के आर पार जाता है वैसे आप भी जा पाओगे, आपको बस आपके टीममेट को नीचे बिठाना है और टीममेट के ऊपर आप छलांग मार के डायरेक्टली उस पार जा पाओगे। तो ये वाला जो फीचर है इसका कुछ वीडियो होगा तो वो भी मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा दूंगा। बाकी ये वाला जो फीचर है मेरे को बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा, आप लोग बताना आपको ये कैसा लगा। सो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं गन्स के अंदर होने वाले कुछ चेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा गन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो एक्यूरेसी है वो 50% बढ़ने वाला है, और इस गन को जब आप फायर करोगे तो उस टाइम पर जो मूवमेंट स्पीड होता है वो भी 10% यहाँ पर बढ़ने वाला है। बाकी बात करें यहाँ पर P90 की, तो इसका शूटिंग स्पीड यानी कि रेट ऑफ फायर 3% बढ़ने वाला है, और जो इसका रिकॉइल है वो 10% कम होने वाला है, यानी कि P90 अब पहले से और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बाकी यहाँ पर बात करें M14 की, जो कि अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसका जो मिनिमम डैमेज है वो 25 कर दिया है, यानी अगर आप एक गोली मारोगे तो कम से कम डैमेज 25 लगेगा जो कि पहले 30 लगता था, और यहाँ पे जो मैक्सिमम डैमेज है वो 59 का हो गया, पहले 58 का था, तो 5 यहाँ पे डैमेज मेरे हिसाब से कम हुआ है क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ काम का है नहीं, सामने वाले पे जब वेस्ट नहीं होता उस टाइम पे मैक्सिमम काउंट होता है, और जब वेस्ट होता है तो धीरे धीरे करके मिनिमम हो जाता है, यानी अगर किसी के पास 4 का वेस्ट होगा तो उसको भी यहाँ पर 25 का डैमेज पड़ने वाला है। और गाइस यहाँ पर जो Kar98 का बायोमेट्रिक स्कोप होता है उसके अंदर भी एक बहुत ही बड़ा चेंजेस किया है, और ये मेरे हिसाब से सही किया, मेरे हिसाब से बायोमेट्रिक हटा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बायोमेट्रिक का जो रेंज होता है उसको 40% कम कर दिया है। अब जो है बायोमेट्रिक का 40% रेंज कम हो गया, तो देखते हैं क्या फ़ायदा होता है इसे या फिर नहीं होता। मतलब जो Kar98 से पहले मार जाता था शायद से अब वो नहीं मार पाएगा, 40% रेंज माइनस हो गया जो कि बहुत ही बड़ी बात है, आधा हो गया मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो देखते हैं Kar98 अब कैसा काम करता है, क्या बंदे मार पाते हैं या फिर नहीं मार पाते हैं। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, यानी कि आने वाले नए वेपन रॉयल के बारे में। उससे पहले अगर आपका आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दो, और अगर आप ऐसे और भी फ्री फायर के अपडेट के वीडियो देखना चाहते हो तो नेशनल गेमर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आने वाली जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और गाइस बहुत सारी नई गन की स्किन्स आने वाली है OB24 के बाद, तो उसका जो फोटोज और वीडियो है वो मैं इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा आने वाला जो नया वेपन रॉयल होने वाला है वो होने वाला है MP5 का, और बात करें इसकी पावर की तो यहाँ पर डबल डैमेज प्लस रहेगा, सिंगल मैगजीन प्लस रहेगा, और यहाँ पर जो है रिलोड स्पीड एक सिंगल माइनस रहेगा। इस तरीके का यहाँ पर ये स्किन देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग जानते हो 99% हर बार मैं बताता हूँ वही आता है, और हो सकता है शायद से चेंज हो जाए, अगर चेंज होता भी है तो ये नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले में देखने को मिल जाएगा, और ऐसा चांस कम है लेकिन आपको नेक्स्ट वाले में ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को पूरा लग रहा है। बाकी आप लोग बताना ये वाला MP5 का स्किन आपको कैसा लगा, डबल डैमेज यहाँ पर प्लस है, और अभी आपको
पता है गेम के अंदर बूस्टर भी मिलता है इसका, तो मेरे हिसाब से ये जो है MP40 के बराबर पे आ सकता है। बाकी गाइस इंस्टाग्राम पे याद से फॉलो कर लेना, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप डायरेक्टली स्टोरी में मेंशन करके मेरे से बात भी कर सकते हो, और अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, और वहाँ पर गन के स्किन के मैं वीडियोस फोटोज भी डालने वाला हूँ, तो वो भी आप डायरेक्टली वहाँ पर देख पाओगे। सो गाइस बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देम टेक केयर, गुड बाय।